या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हजरत खालिद बिन वलीद जा रहे सन, ते रूमिया ने पूछा उन्हें कि यार दसो तुहाडे नबी दी शान किवें। खालिद बिन वलीद फरमान लगे एक और साहबी नू कि मैं तुहानू दस दें। उन्हें कहा ना ना ना, सवाल तुहाडे कोलो कीता है सैफुल्ला, तुसी हो, तुसी दसो तुहाडे नबी दी की शान है। खालिद बिन वलीद एक को जुमला फरमाया, फरमाया टाइम कोई नहीं, मैं अगे जाना है। अल मुरसल अला कदर अल मुरसल, वो तो भेजने वाले की शान बन कर आए। सच आखां ते रब दी, ऐ पीर पीर साहब ने खालिद बिन वलीद फरमान दा तर्जमा कीता, भेजने वाले की शान बन कर आए। परवाज में मिधात शाह जब मैं आऊं, तारश पर फिक्रे रसा से जाऊं, मजमून की बंदश तो मुयसर है रजा, काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं। आला हजरत कहंदे मैं बरेली दे कमरे च बह के ते नात लिखी, फंदा सामने लगे होवे, अंग्रेज फांसी वास्ते सैयद किफायत अली काफी नू ले जा रहे होवन, और मर्चा ते नमक इस्त्री कप फेर के ते भरे होवे, ते फिर बाबा एन चले ते नाल अंग्रेज कमन लग पवन, बाबा की होए। और मैं सबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की गगन। पढ़े लिखे लोगों ना, मैं एक आखिरी गल कर लूं। सानू साढ़े बुजुर्ग एक केबलों वाले मौली अब्दुल कवी और दे हवाले करके नहीं गए। एक मौली अब्दुल कवी होवे जिदा अदाकार टोपी पावे, मौलवियां दी किस्मां होंदियां। एक मौलवी खादिम मौलवी है जिहड़ा अपनी पगड़ी ला के मुमताज कादरी दे पैरां ते रख, ऐ मौलवियां मौलवियां च फर्क। मैं मुमताज कादरी दे पैरां ते अपनी पगड़ी ला के रखी, मैं क्या जनाब बड़ी मेहनत की थी तुहानू छुड़ाने वास्ते, हुजूर दी बरगाह शिकायत ना लैणा। असी कसर कोई नहीं छोड़ी, जेलां च भी गया, दरूके भी गया, परचे भी कटवाए, अपना घर बार भी लुटवाए, ते तुसी हुजूर दी बरगाह विच शिकायत ना लैणा। असी जो कर सकते सी वो करदे रहे। हाँ, यह मौलवियों फर्क है जी, एक मौलवी की टोपी कदाकार पावे ते दूसरे दिन कतल भी हो जाए, मौली साहब की इतनी बरकत हो। हसने वाली गल नहीं बचे, ये रोन वाली बात। तुम एको लाठी लैके सारे मौलवियों चिक दो, इंज गल नहीं होती, ये गलत बात है। तुसा मौलवी वेखी कोई नहीं, हाँ तुसा मौलवी वेखी कोई नहीं, मौलवी किफायत अली काफी, अलामा फजल खैर आबादी, काले पानी मिट्टी के टोकरे चाह के भी। पर मैं ओए तुसी की समझदे, मैं मुंज दले बास पा के भी अरबी च हुजूर दी नाता लिखदे रहे। इमाम आजम अबू हनीफा जेल च कोड़े खांदे रहे, इमाम रब्बानी किला गवाली यार जा के भी अल्लाह अकबर दी अज़ाना देते। हाँ जी, मौलवी तुसी वेखी कोई नहीं, तो ऐ मौली अब्दुल कवी वेख्या, जहर बात या ए वेख्या जड़ा राव रोया रोया रो। इमाम मौलवी इमाम अहमद रजा बरेलवी, मैं पढ़े लिखे लोगों ना, पढ़े लिखे तो कोई नहीं होंगे, इन्होंने कुल वल्लवी नहीं आती, पक्की बात है। हाँ जी, जिदा जिस कौम का वजीर दाखला नु कुल वल्ला ना आवे यार, बाकी इस्लाम का तो अल्लाह हाफिज है ना। कुल वल्ला वहद वलाम यलिद वलाम यलिद, हंसने वाली बातें नहीं बच्चे, ओए रोने वाली बातें। ए बड़ा बैरिस्टर एतज़ाज़ हसन, उसको कुल वल्ला नहीं आई, जिनको कुल वल्ला ना आए उन्होंने हमें बताना है हुजूर की नामूस का मसला क्या है, हमें दाता अली हजवेरी नहीं बताना है हुजूर की। हाँ जी, हाँ अपने गल असी कोई याद साढ़े गल करो दीन दी, गल समझ आई हजूर। असी इन्हों को गल पुछनी क्यामत तक, ये साड़िया नस्लों से भी करजे कि जजा ने हजूर के यारह फैसले क्यों नहीं मने। बस बस हजरत उमर एक ना मने मुनाफे कि उमर धौन ला देवन, तेना यारह फैसले हजूर के नहीं मने, कौन आते सन। बस ये सानू हिसाब दे देन, मौली खादिम की गर्दन आ जाए। बस ये कौन आते सन हजूर के फैसले ना नहीं मने, इन्हों कुल वल्ला नहीं आती, इन्हें हजूर के फैसले नहीं मने। सानू इहदा हिसाब चाहिए, पाकिस्तान अंग्रेजा नहीं मने रसूलुल्लाह के फैसले, इल्मुद्दीन नू लटकाया, वो गल मनन वाली काफिर सन, ये कलमा पढ़ के हजूर के फैसले नहीं मने, ये दसन इन्हें सानू जवाब चाहिए। असी मुड़ के मसीती झाड़ू देना, असं कुछ भी नहीं करना, बस ए जवाब सानू दे दो, अज दो या कल, ये साड़िया नस्लों उत्ते भी कर्ज है। वरना क्यामत वाले दिन मौलवियां पीरां हजूर का जवाब कोई नहीं दे सकना कि तुहाड़े होंदे मेरे यार फैसले क्यों नहीं मने। बस सानू ये जवाब चाहिए। पढ़े लिखे लोगों वास्ते गल है जी, हजूर की शान है कि सानू केबलों के हवाले करके नहीं गए, जिन्होंने कुल वल्ला भी ना आवे केबलों से बह के कहते मेरा ख्याल ही है कि मसला ऐसे होने चाहिए। इमाम बोसीरी फरमाते हैं दा मद्दात हुन नसारा फी नबी यही मी वह कुम बिमा शेत मद हन फी वह तकी मी
فانسو بلا ذاته ما شئت من شرف وانسو بلا قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطقكم بفمي لو ناسبت قدره ايه عظم النح يسمه حين يدا دار سر رممي بس امام بصری فرماندے حد اے وے رسول اللہ دی شان دی کہ حضور نو رب نہیں کہنا تے رب دا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے